पतंग उड़ाने निकला छोटा सा आर्यन और खो बैठा अपने हाथ और पैर। आर्यन की पतंग बिजली के तार में फंस गई और उसे निकालने के चक्कर में उसे करंट लगा, जिससे उसके हाथ और पैर बुरी तरह से जल गए। 15 फरवरी से अब तक झांसी के हंसारी मोहल्ले की हरिजन कॉलोनी में रहने वाला आर्यन का परिवार उसके इलाज के लिए हर कोशिश कर चुका है। बिजली के तार की वजह से होने वाली यह तीसरी दुर्घटना है। इससे पहले एक लड़की के ऊपर तार टूटकर गिर गया था और एक भैंस करंट लगने से मर गई थी। 8 साल के आर्यन के परिवार ने बिजली विभाग के खिलाफ FIR दर्ज की है। वे राहत की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। बच्चा स्कूल से आया, जैसे रूटीन में खेलता था वैसे ही खेलने के लिए बाहर निकला, पता नहीं कब किस समय छत पे चढ़ा और बस खेलते खेलते करंट लग गया। ऊपर हवा चल रही थी, क्या हुआ, तार नजदीक है तो उसने तार से टच हो गया बस इसको लग गया करंट। बगल वाले देख रहे थे कि ये उससे चिपका है तार से, जो उधर से आए जो अपने आप छूट गया। हमने देखा, हमने बैठे यही जी ने और बस वो दो बच्चा है, दोनों खेल रहा है ऊपर, स्कूल से आया वो खेल रहा है। अब वो खेला तो खेला तो मैं अब भगवान ईश्वर जाना कि उसके कैसे आ गए हैं। उसको तो वो टायर में मौत के बो रही, लेकिन भगवान की कृपा की जीवन बच गई उसका। ₹5 लाख रुपए का खर्चा आएगा इसके हाथ ही पैरों में। बस यही है कि उस समय तो नहीं समझ में आया कुछ भी, क्योंकि उस समय तो ये दिखना था बच्चे का इलाज करवाना पहले ज्यादा जरूरी था। जैसे भी हुआ कर्ज लेकर के जो कुछ भी बना, जैसे बना उल्टा सीधा करके। कितना खर्चा आ चुका है अभी तक में? अभी तक करीब 5 लाख हो गया। पहले तो बोलना भी बंद कर दिया था अस्पताल में, बहुत कोशिश करते थे ऐसा ना हो डिप्रेशन में चला जाए बच्चा। इतना बड़ा हादसा हुआ एकदम से, हाथ पैर पता नहीं सहन नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, बोलता नहीं है। जब एक दिन जब थोड़ा सा मतलब उसने पता नहीं कैसे बोलना शुरू किया तो बोला मम्मी, और मुझे तो ये लग रहा कि मेरी पढ़ाई छूट गई और मेरे पेपर एग्जाम हो गए, मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आपकी टीचर आपको फेल नहीं करेगी। क्या नाम है आपका भैया? आर्यन। क्या सोचते हो? जल्दी आते हैं। हमेशा लौटने में स्कूल का फल, फुटबॉल, बैट बॉल, साइकिल चलाना, ये सब इसकी हॉबी। बोला कि मैं पढ़ूंगा तो बुक्स वगैरह मंगा ली है, पढ़ाते हैं इसको, ट्यूशन वगैरह भी लगा दिया है कि मतलब जो कुछ पढ़ता लिखता था तो वो भूले ना। डॉक्टर अभी क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कुछ नहीं, बस पट्टियाँ होती हैं कुछ दिन मतलब छोड़ छोड़ के, और बस हाथ पैरों के लिए बोला है वो हाथ पैर ही लगेंगे अब, चाहे वो वैसे वाले उन्होंने तो बोला था डोनेट वाले भी लगेंगे। आजकल उसका भी वो हो गया है अपने भारत में, तो वही देख रहे हैं अगर हो जाए एक ही हाथ लग जाए वही बहुत है, कम से कम बच्चा अपना जीवन आगे। तो अभी हम लोग हैं, फिर हम लोग के बाद कौन है दिखने वाला। अभी तक आपने सरकार से मदद मांगी है? अभी तक कुछ नहीं मिला सरकार से मदद, बिजली विभाग में तो बराबर गए हैं तो वो कहते रहे कि चलो करते करते, अभी तक कुछ नहीं करा हूँ। कई लोगों को फोन भी आया, कोई ₹1000 की, कोई ₹500 की, कोई 5000 की, कोई भी मदद कर जा रहा बच्चे के लिए। मैं तो सब लोगों से ही हाथ जोड़ के विनय कर रही हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज जाए, जहाँ तक जो जो लोग देखे इस बच्चे की फोटो ना, मेरी आवाज सुने, तो सारे लोग मदद करें कि इसका एक ही हाथ हो जाए, दो नहीं हो पाए तो एक ही हाथ इसका हो जाए, तो इसकी जिंदगी सफल हो जाएगी।